वेलकम्स यू ऑल स्टूडेंट्स इन साइंस बारी कृष्णा चैनल पर आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड, क्या है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए मिक्सचर। कोई मिक्सचर है और उसमें क्या है कि जो सॉलिड है वो क्या हो गया है, मिक्स हो गया, यानी ऐसा सॉलिड जो कि मिक्स हो गया हो मिक्सचर में, तब हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इनसॉल्युबल सॉलिड के बारे में पढ़ा था, है ना, हमने इससे पहले पढ़ा था इनसॉल्युबल सॉलिड को कैसे सेपरेट करते हैं। अभी क्या है नेक्स्ट हमारा ये जो मेथड है ये क्या है, सॉल्युबल सॉलिड को किसी मिक्सचर से हम लोग कैसे अलग करेंगे, इसके बारे में हम लोग कौन कौन सा टेक्निक या मेथड यूज़ करते हैं उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये। इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, दिस मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन ए सॉलिड सब्सटेंस। यह मेथड यूज़ किया जाता है सॉलिड सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए, दैट इज़ डिजॉल्व इन ए लिक्विड, जो कि लिक्विड में क्या हो गया है डिजॉल्व हो गया है। इवेपोरेशन मेथड का यूज हम लोग जो सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में डिजॉल्व हो गया उसे अलग करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, जो कि कॉमन सॉल्ट है वो क्या होता है वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व। कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जो कॉमन सॉल्ट लिक्विड में डिजॉल्व हो गया उसे हम लोग क्या करते हैं इवेपोरेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं उसे अलग कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, यह जो प्रोसेस है इस फैक्ट पर आधारित होता है कि द लिक्विड वेपोराइज ईजिली ऑन हीटिंग वेयर एज सॉलिड डू नॉट। जो लिक्विड्स हैं यानी कि जो वाटर है वो क्या होता है ईजिली वेपोराइज हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उसका, जबकि जो सॉलिड है वो क्या कहते हैं उसका वेपराइजेशन नहीं होता और वो तली में बैठा रह जाता है। तो इसको अगर हमें डेफिनेशन देना है वेपोरेशन का तो कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है लिक्विड किस में चेंज हो जा रहा है वेपर में बाय हीटिंग, यानी गर्म करने पर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गर्म करने पर जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया स्टूडेंट्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है लिक्विड को अगर हम गर्म करें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जो ये इवेपोरेशन का प्रोसेस है ये हमेशा होता रहता है जहाँ कहीं भी वाटर आपका प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी दिखाया गया है, क्या है एक चाइना डिश है ना, ये चाइना डिश है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको। इसमें क्या किया जा रहा है वाटर और किसका साल्ट और किसका सोल्यूशन साल्ट का, वाटर और साल्ट का सोल्यूशन हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें रखे हुए हैं। अब क्या करेंगे इसे ट्राईपॉड स्टैंड पे रख देंगे। ये देखिए आपका ट्राईपॉड यानी तीन पैर वाला स्टैंड, ये है आपका ट्राईपॉड। ये ट्राईपॉड स्टैंड पर हम लोग रख दिए उसको, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम लोग हीट करेंगे, बंसर बर्नर की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं इसे हीट कर रहे हैं। जब हीट होगा तो इसमें जितना भी वाटर है वो क्या करने लगेगा इवेपोरेट। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाप निकल रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है वेपराइजेशन स्टार्ट हो गया यानी कि वाष्पीकरण शुरू हो गया, इसका भाप बन के उड़ना शुरू हो गया है। तो वाटर क्या होगा इसमें से सारा इवेपोरेट हो जाएगा, और जब इवेपोरेट हो जाएगा तो हमें जो मिलेगा वो क्या बचेगा कॉमन साल्ट, ये जो चाइना डिश है इसकी तली में बैठा हुआ मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग जो सॉल्युबल सॉलिड क्या था इसमें यहाँ पर कॉमन साल्ट, सॉल्युबल सॉलिड क्या था कॉमन साल्ट जो कि वाटर में मिक्स हो गया था इसका मिक्सचर था, और अब हमने इस तरह से कॉमन साल्ट को वाटर के मिक्सचर से क्या कर लिया अलग कर लिया। तो इस तरह से हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं। जो इस एक्टिविटी का हमारा जो क्या सोल्यूशन क्या कंक्लूजन निकला, द कॉमन साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जो कॉमन साल्ट है उसे हम वाटर सोल्यूशन से कैसे अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन मेथड का यूज़ करके। अब देखते हैं थोड़ा सा और, जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है द सी वाटर कंटेन्स लॉट्स ऑफ साल्ट। जो सी वाटर है उसमें क्या होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है साल्ट होता है, नमक होता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज टू ऑब्टेन साल्ट, और जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है इसको यूज़ किया जाता है साल्ट को प्राप्त करने के लिए ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत बड़े मात्रा में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रॉम द सी वाटर, समुद्र के पानी से। जो हमें नमक, हम लोग जो नमक खाते हैं कहाँ से मिलता है हमें
सी वाटर को इकट्ठा कर लिया जाता है छोटे छोटे क्यारियों में और उन्हें क्या करने दिया जाता है, इवेपोरेशन होने दिया जाता है, और जो वहाँ पे बचता है फिर उसे कलेक्ट करके फैक्ट्री में जाता है, उसे अच्छे से प्योरीफाई किया जाता है ना, और फिर पैकेट में पैक करके हमें मार्केट से मिल जाता है। यही हमें इस तरह से साल्ट मिलता है। द सी वाटर इज ट्रैप्ड इन ए शैलो पॉन्ड्स कॉल्ड लैगून्स। जो सी वाटर उन्हें क्या कर दिया जाता है, एक पॉन्ड्स में छोटे छोटे, मैंने बताया ना क्यारी बना लिया जाता है, वही छोटे छोटे पॉन्ड्स या फिर जिसे लैगून भी कहते हैं उनमें इकट्ठा कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, एंड अलाउ टू स्टैंड, और उसमें ठहरने दिया जाता है, रुका रहने दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, द हीट ऑफ द सन ग्रेजुअली इवेपोरेट द वाटर कम्प्लीटली इन द शैलो पॉन्ड्स। अब जो सन की किरणें हैं, सूरज की किरणें हैं, वो क्या करती हैं, वो वाटर को हीट करेंगी, गर्म करेंगी, और वहाँ से धीरे धीरे जो पानी है उसमें से टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, शैलो पॉन्ड से, जो छिछला पॉन्ड है, लीविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट, और वहाँ पे क्या बच जाएगा, सॉलिड साल्ट बचा रह जाता है। दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट इज फर्दर प्योरीफाइड टू ऑब्टेन कॉमन साल्ट, और इसी मिक्सचर को हम लोग दोबारा से फिर से क्या करते हैं, उसे प्योरीफाई कर लेते हैं, जिससे हमें कॉमन साल्ट मिल जाता है। तो ये था टेक्निक्स कि हम लोग कैसे सॉल्युबल सॉलिड को मिक्सचर से अलग कर लेते हैं। अब एक और मेथड है जिसमें हम लोग सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए मिक्सचर, अगर कोई लिक्विड है किसी मिक्सचर में मिक्स हो गया है तो हम लोग उसे कैसे अलग करेंगे, इसको चलिए देखते हैं और समझते हैं। उस मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। अगर लिक्विड को हमें अलग करना है किसी मिक्सचर से तो हम क्या इस मेथड का यूज़ करेंगे, कंडेंसेशन। दिस मेथड इज़ यूज टू ऑब्टेन ए लिक्विड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, अगर कोई लिक्विड का सॉल्यूशन है तो उसमें से अगर हमें लिक्विड को अलग करना है तो हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, कंडेंसेशन का यूज़ करेंगे। वी कैन गेट वाटर फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन बाय दिस प्रोसेस, हम लोग जो क्या करते हैं, इस मेथड का यूज़ करके वाटर को उसके सॉल्यूशन से अलग कर लेते हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि लिक्विड का हम लोग जो वेपर हैं, जो भी वेपर हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेपर को क्या कर रहे हैं हम लोग, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑन कूलिंग, ठंडा करके, इस कॉल्ड कंडेंसेशन, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंडेंसेशन कहते हैं। चलिए इस मेथड को हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, होता क्या है, यहाँ पे एक कैटल है, ठीक है, इस कैटल में हमने क्या रख रखा है, वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन रखा हुआ है, ओके। अब इस केटल को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, बंसन बर्नर की हेल्प से हीट करेंगे, ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर रख करके केटल को। अब देखिए, अब जब ये गर्म होगा तो यहाँ से क्या निकल रहा है, स्टीम, देखिए यहाँ से स्टीम निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ये स्टीम निकल रहा है। इस स्टीम के ऊपर ऐसे स्लांटिंग पोजिशन में, स्लांटिंग पोजिशन मतलब क्या होता है, तिरछा रख करके एक हम लोग क्या लेंगे, फ्राइंग पैन, उसमें क्या रख दे रहे हैं, आइस क्यूब। ये क्यों ले रहे हैं आइस क्यूब, आइस क्यूब इसलिए ले रहे हैं तो कि जो यहाँ से स्टीम निकल रहा है कैटल से, ये जैसे जाकर के इस फ्राइंग पैन जिसमें कि आइस क्यूब रखा हुआ है इसे टकराएगा तो क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ से जब ये जाकर के स्टीम टकराता है फ्राइंग पैन पे तो क्या होता है, ये कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा होने की वजह से जो वेपर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, और इस वाटर को हम लोग एक बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं, और जब आप इस बीकर के जो वाटर है इसे आप टेस्ट करके देखेंगे, इसमें बिल्कुल भी साल्ट नहीं होता है, ये कैसा वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी मिक्सचर का लिक्विड है और उसमें से अगर हमें वाटर अलग करना है तो इस तरह से हम लोग अलग कर सकते हैं, किस मेथड का यूज़ करके, कंडेंसेशन मेथड का यूज़ करके। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, तो उसे अलग करने के लिए हम लोग पहले क्या किए, पहले इवेपोरेशन किए, इवेपोरेशन में क्या हुआ, स्टीम निकलने लगा, और स्टीम को क्या किए हम लोग, कंडेंस किए, कंडेंस मतलब ठंडा कर लिए, ठंडा करके फिर वाटर को अलग कर लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर लाइक करें वीडियो को। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा आपको जानकारी के लिए दिया हुआ है यहाँ पर,
वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर अप टू ए मिसेबल लिक्विड लाइक पेट्रोल एंड वाटर मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। एक सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके हम लोग दो अघुलनशील यानी दो न घुलने वाले लिक्विड को अलग कर सकते हैं हम लोग। कैसे? जैसे कि पेट्रोल हो गया, वाटर हो गया, अगर ये किसी क्या कहते हैं मिक्स हो गए हैं ये, तो पेट्रोल अलग रहेगा, वाटर अलग रहेगा। इन्हें अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल और वाटर का भी हम लोग सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके अलग कर सकते हैं। अब देखिए, कोई ऐसे लिक्विड हैं जिनको इन दोनों मेथड का हमने यूज़ किया तब भी अलग नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक से अधिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड्स, कि हम लोग किसी भी मिक्सचर को एक से अधिक मेथड का यूज़ करके अलग कर सकते हैं। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। अभी हम लोगों ने कुछ मेथड को पढ़ा है जिसमें क्या करते हैं हम लोग सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, है ना, उसके मिक्सचर से, लिक्विड को अलग कर सकते हैं उसके मिक्सचर से। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अलग नहीं होता तब क्या करेंगे, तो फिर हमें क्या करेंगे, ऑफन प्राय देखा जाता है वन मेथड इज नॉट सफिशियंट टू सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। जो अलग अलग सब्सटेंस प्रेजेंट है मिक्सचर में, वह एक ही मेथड क्या होता है कि सफिशियंट नहीं होता अलग करने के लिए। फिर क्या करते हैं, इन सच सिचुएशन, इस तरह के सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड। तो इनमें जो मेथड हमने अभी पढ़ा है, इनमें से एक से अधिक मेथड का हम लोग यूज़ करके उन्हें क्या करेंगे, हम लोग अलग कर लेंगे। आगे बात समझ में, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर हमें अलग करना है क्या क्या, सैंड है ना, सैंड सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, इन तीनों का मिक्सचर है, तो हम कैसे अलग करेंगे। अब इसमें हमें एक से अधिक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग मिक्सचर से सैंड और साल्ट और वाटर के सोल्यूशन को, साल्टी सोल्यूशन जो है और सैंड जो है, इसको सबसे पहले हम लोग अलग करेंगे। उसके लिए जो मेथड यूज़ करेंगे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो साल्टी वाटर है और जो सैंड है उसे हम लोग अलग कर लेंगे। अब जब ये हम लोग अलग कर लिए और उसमें से जो कुछ बचा कुचा रह गया उसे भी हम लोग किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर फिल्ट्रेशन का, चाहे सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन का यूज़ करें या फिर फिल्ट्रेशन को यूज़ करके हम लोग सैंड और साल्टी वाटर को अलग कर सकते हैं। अब जो हमें साल्टी वाटर बचा, इसमें से वाटर को अलग करने के लिए हम लोग किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, इस ये जो हमारा सोल्यूशन था, मिक्सचर था साल्ट सैंड और वाटर का, इसको अलग करने के लिए हमें एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करना पड़ा। तो वही अब नहीं, हमने समझाया था आपको कि कुछ कुछ सोल्यूशन, कुछ कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसमें एक ही मेथड केवल काम नहीं करता, हो सकता हमें एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करना पड़ जाए, है ना। आपको ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा और आपको टॉपिक भी समझ में आ गया। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।